चारा से जुड़े मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की शुक्रवार को होने वाली सुनवाई को 6 हफ्तों के लिए टाल दिया गया है। खबरों के मुताबिक सुनवाई को इसलिए टाला गया क्योंकि लालू प्रसाद यादव की सजा का आधा वक्फा खत्म नहीं हुआ था और जल्द ही रिहाई के लिए जरूरी शर्त भी है। इस वक्फे के पूरा होने पर 40 दिन शेष है। इससे पहले यह सुनवाई इसलिए टली थी क्योंकि CBI ने झारखंड हाईकोर्ट में अपना पक्ष दाखिल नहीं किया था। भ्रष्टाचार के मामले में 4 साल की कैद की सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव को कई अन्य मामलों में जमानत मिल चुकी है। यह लालू यादव के खिलाफ आखिरी मामला है और इस बार उन्हें इसमें भी जमानत रिहा होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। पिछले माह हुई सुनवाई में उनके वकील कपिल सिब्बल ने CBI पर जानबूझकर जमानत अर्जी में देरी किए जाने का आरोप लगाया था। बहरहाल लालू यादव को इसलिए भी जेल से आने में वक्त लग रहा है क्योंकि बिहार में NDA की सरकार उस पर शिकंजा कसते नजर आ रहे हैं। लिहाजा सवाल इस बात का भी है कि अगर लालू यादव जेल से रिहा होते हैं तो तेजस्वी यादव को CM बनने की उम्मीद काफी जग सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सद्दाम करीमी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि देश दुनिया और बहुजनों से जुड़ी खबर मिस ना करें। नमस्कार।